बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6.3। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, वॉट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी है जिसका मास 50 किलोग्राम है, इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसको 3 मीटर की हाइट से उठाया हुआ है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। जी की वैल्यू हमें गिवन है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पर मास की वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 50 किलोग्राम। हम यहाँ पर लिख देंगे m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। किलोग्राम यानी ये पहले ही SI यूनिट में है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। और हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 मीटर, यानी h हमारे पास क्या है, 3 मीटर। हमने क्या फाइंड करना था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड करना है, इसलिए हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट में जी की वैल्यू भी उन्होंने गिवन दी गई है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमें याद भी रखनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू हमें गिवन होती है और समटाइम्स हमें वैल्यू गिवन नहीं होती। इसी वजह से हमें जी की वैल्यू याद रखनी है कि ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला भी हम पोटेंशियल एनर्जी का लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब देखिए, हमारे पास जो फार्मूला है इसकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। मास की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 kg। हम क्या करेंगे, m की जगह 50 kg पुट कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h की वैल्यू क्या है, यानी हमें जो हाइट दी गई है वो कितनी है, वो है 3 मीटर। हाइट की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, 3 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 50 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। 500 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1500 किलोग्राम मीटर, यहाँ पर भी मीटर है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, जो हमारे पास ये यूनिट आती है वो हमारे पास जोल के इक्वल होती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1500 जोल। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 1500 जोल। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमारी यहाँ खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 6.4। एग्जांपल नंबर 6.3। सबसे पहले अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ फोर्स आर 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट अंटिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। थ्रू व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट, यानी एक बॉडी है जिसका मास 20 किलोग्राम है और वो 200 न्यूटन की फोर्स पर एक्ट कर रही है। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी, यानी बॉडी को कितनी फोर्स चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। थ्रो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स एक्ट, यानी हमने चेक करना है कि इस पर कितना डिस्टेंस, यानी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, यानी इसका मतलब है कि कितने डिस्टेंस पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। अब हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा यानी जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें स्टेटमेंट में देखे फोर्स गिवन है जो हमारे पास है 200 न्यूटन। हम यहाँ लिख देंगे F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और हमारे पास मास गिवन है, मास हमारे पास कितना है, 20 kg। और वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी गई है, 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम लिख देंगे वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट डिस्टेंस, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है
के कितने डिस्टेंस पर फोर्स एक्ट कर रही है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डालेंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, मास की वैल्यू भी गिवन है और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला हम लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। अब हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, हमने ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये देखें, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी में भी जब एक बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो हमेशा अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है फिर वो फाइनल पॉइंट पे जाती है। यानी यहाँ पर भी इन्होंने यही बात की है कि एक बॉडी है वो क्या कर रही है, एक फोर्स से एक्सेलरेट कर रही है ताकि वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक पहुँच जाए। इसलिए हमने ये वाला फार्मूला की यूज़ किया एफ एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। एफ एस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है और हमने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें हम इसका फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, चूँकि हमने एस फाइंड करना है इसलिए हम यहाँ एस ले जाएंगे, एफ हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2f एम वी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, 1/1 हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। एस इज इक्वल टू 1/2, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 200 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 200 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास मास है, मास की वैल्यू क्या दी हुई है 20, यहाँ पे हम लिख देंगे 20, वी यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई है 50, यहाँ पे लिख देंगे 50, ऊपर स्क्वेयर डाल देंगे। स्क्वेयर हमने क्यों डाला, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में स्क्वेयर था। अब हम आगे देखते हैं एस इज़ इक्वल टू 1/2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब देखिए हमारे पास 20 है, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, 50 का स्क्वेयर है, 50 का जब हम स्क्वेयर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2500, ठीक है। अब देखिए ये हमने 50 का स्क्वेयर लिया तो हमारे पास 2500 आ जाएगा। अब फिर इसको हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू 1/400, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50,000, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 50,000। अब 50,000 देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। आपको पता है कि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आता है जो आपके पास गिवन वैल्यू होती है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 400। अब 50,000 को डिवाइड करेंगे 400 से तो हमारे पास आ जाएगा 125, यहाँ पे हम लिख देंगे s इज इक्वल टू 125। ये हमारे पास डिस्टेंस है तो याद रखिएगा डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर। इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने इस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस ही फाइंड करना था कि कितने डिस्टेंस पे हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आया है 125 मीटर। स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 6.3 एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई है। स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।